नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ अब खबरें विस्तार से। फतेहपुर जिले खागात कस्बे के पश्चिमी बाईपास में रविजी कार बाजार के उद्घाटन समारोह में फतेहपुर जिले के कांवड़ियों के अध्यक्ष त्रिपाठी जी द्वारा विश्वकर्मा जी और भोलेनाथ की पूजा करने के पश्चात फीता काट कर शुभारम्भ किया, जिसमे एक स्विफ्ट डिजायर कार बेचकर शुभारम्भ किया। आप लोगों को बताते चले कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि फतेहपुर जिले के कांवड़ियों के अध्यक्ष त्रिपाठी जी रहे। विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय विधायक कृष्णा पासन, खागा नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता सिंह और खागा नगर के लगभग आधा सैकड़ा लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और रविकार बाजार की तरक्की की कामनाएं की। आइए सुने क्या कहा कांवड़ियों के अध्यक्ष त्रिपाठी जी ने। क्या कहा एमपी न्यूज कास्ट ब्यूरो संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। जी देख रहे हैं कि ये गाड़ी सेल का जो है आज उद्घाटन हुआ है, इसमें कैसा क्या सिस्टम है? इसका सिस्टम ये है कि ये रवि जी कार बाजार के नाम से जी इस दुकान का उद्घाटन किया गया है जी, जिसमें कि पुरानी कारें हर व्यक्ति नई कार तो खरीद नहीं सकता जी जी, इस कारण कोई बेचता है कोई खरीदता है जी, तो उसके लिए ये सुविधा उपलब्ध की गई है जी, पुरानी कार यहाँ बेच सकता है और सेकंड हैंड कार यहाँ से खरीद सकता है जी। और जैसे कोई गाड़ी की बुकिंग भी कराना चाहता है जी, तो यहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। यहाँ कितनी से कितनी कीमत तक की गाड़ियाँ होंगी? अब कीमत तो अब सेकंड हैंड का मतलब यही होता है कि सेकंड हैंड गाड़ी के अनुसार ही उसकी कीमत लगाई जाएगी जी जी। और जैसे किसी की इन्होंने लिया जी, तो उसमें जो उचित प्रॉफिट है जी, मतलब भाई ये जो उद्घाटन किए हैं बैठे हैं तो उसका खर्च तो निकालना ही है जी, 10-5 हज़ार रुपया ले करके उसको जो है सेल करना है। आपका सब परिचय है? आपका परिचय? मेरा परिचय ये है कि मेरे संरक्षण में ही ये दुकान खुलवाई गई है जी जी, और मैं कांवरिया संघा जिला अध्यक्ष हूँ, इसके कारण से ये सब मेरे मित्रगण हैं जी जी, जिसके उपलक्ष्य में यह उद्घाटन मेरे द्वारा किया गया।